हिंदी शायरों ने औरत की खिलकत का किस्सा इस तरह लिखा है कि आगाज आफरीनश में दो आलम ने जब औरत के पैदा करने का इरादा किया तो मालूम हुआ कि सारा मसाला मर्द के पैदा करने में काम आ गया औरत के बनाने के लिए आलम ईजाद में कोई चीज एतबार के लायक न रही बड़े गौर व के बाद ये तदबीर कार परदाजा ने अजल के जहन में आई कि चेहरे की शक्ल तो चांद से ली जाए और खमे अबरू हिलाल से गंशा नाश गुफ्ता से दहन और बरगे गुल से ऊँट नरग से शहला से आंख सर्फ से कद नसरीन से बदन और कब से रफ्तार ले ली जाए शबे तार से बालों की सियाही और दराजी ये शबे हिजरा से बालों की दराजी ले ली जाए याकूत से होटों की सुर्खी पत्थर से संगदिली और तोते की आंख से बेमुरती मांग लें माथे की चमक कुंदन से और दांतों की दमक मोतियों से ले लें कुलकुल मीना से आवाज की खनक और सोजा से आंसुओं की लड़ी ज़रूरत के वक्त ले लो, रोजगार से मिजाज का तल्वुल ले लिया जाए गले में बाहें डाल देने की अदा सरे दस्त इश्क पेचा से ले लो और देखते रहो कि बरगे गुल पर जब कतरे शबनम नसीम शहर से जुम्बिश में आए उस वक्त उसके दिल के धड़कने की तस्वीर खींच लेना हुए जफा चरखे सितम गार से और कभी भूले भटके की रस्म वफा चकवे चकवी से मांग लो कमर की जरूरत नहीं कि दहने यार की तरह नजर नहीं आती जुल्फ को परेशान और आईना रुखसार को दरखना बना देना जबान के लिए सोसन की कलम कैंची से काट कर लगा देना लड़कपन की अटकेलियां बिल्ली के उन बच्चों से जो पंजों में नाखून छुपाना निकालना सीख गए हों ले लेना और खुद अपने बच्चों की हिफाजत में जान पर खेलने के तेवर शेरनी से ले लो अदाओं में बुलाने से भागना और न मिलिए तो खुद मिलने के बहाने ढूंढना निगाह से बुलाना और जबान से कोसना मुंह न लगाने पर गले का हार बन जाना और नाज बरदारी की जाए तो लापरवाही की शिकायतें करना और ऐसी हजार नाजोअंदाज की बातें कूट कूट कर भर देना गरज ऐसे ही इज्तमा जिद्देन से आलम ईजाद के नुस्खा नवीसों ने ये माजून मुरकब यानी औरत को बनाकर मर्द के हवाले कर दिया कहते हैं कि इस वाक़े के चंद रोज के बाद इंसान ने खुदा से शिकायत की कि ये तोहफा जो मुझे अता हुआ है मेरे लिए बलाए जान है इसको वापस ले लिया जाए इसने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी इसकी जबान खदंग नजर से ज्यादा तेज है ये बला की तरह पीछे पड़ी रहती है मुझे किसी तरफ निगाह उठाकर देखने नहीं देती इसके मारे मुझसे कोई काम नहीं होता बेसब खफा रहती है इससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया मेरी इसकी नहीं बनती हुक्म हुआ कि अगर तुम्हारी इसकी नहीं बनती तो तुम इसे यहां छोड़ जाओ दो चार दिन ही गुजरे होंगे कि हजरत इंसान फिर खालिक के पास हाजिर हुए और अर्ज की के परवरदिगार जब से औरत छुटी मुझे बड़ी तकलीफ है रात दिन उसी का ख्याल रहता है घर उजड़ गया जिंदगी का लुत्फ जाता रहा शबे तार में वो चांद सा चेहरा रह रह के याद आता है परेशानियों में जुल्फ परेशान का ख्याल जो बंध जाता है तो पहरों नींद उचट जाती है इर्शाद हुआ कि औरत को तुम ही खुद छोड़ गए थे ना तुम्हारा जी चाहे फिर ले जाओ क्या देखते हैं कि दूसरे तीसरे दिन हजरत इंसान फिर खुदा के पास ही अर्ज लेकर पहुंचे कि बंदा दरगाह कुछ अर्ज नहीं कर सकता बूर के लड्डू का था हाल है कि खाए तो पछताए ना खाए तो पछताए लेकिन मैंने बड़े गौर से देखा कि औरत से इस कदर आराम नहीं जिस कदर की तकलीफ है हुजूर इसे रख लें फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस आमक को निकाल दो इससे कह दो कि जिस तरह मुनासिब जाने करे इस पर इंसान ने कहा हुजूर इसके साथ तमाम उम्र काटनी मुश्किल है जवाब मिला कि इसके बगैर भी तुम्हें जीना मुश्किल हो गया था उसके बाद फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसे बखने दो कारखाना आलम में और बहुत ज़रूरी काम है यहाँ ऐसी फुर्सत नहीं कि कोई बेकार के झगड़ों में पड़े